आप बिछाओ, अल्लाह बिछाओ, उल्टी है। नहीं बिछ रही, सही से बिछाओ, बिछ जाएगी। मैं मदद करती हूँ, अल्लाह बिछाने में मदद करो। ये बच्चे अल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनकी हाँ दोनों की अलग 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 है। और मैडम दिखाओ, मैडम क्या कर रही है, छोटी मैडम, उससे हम बात ही नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। उठी तो पड़ी है लेकिन हम उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। आज जुम्मा है, बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, खाना बना रही हूँ। चलो, मम्मी ये पिला दो। हाँ ये आरा का कॉल लेकर आया था। जाती अली घर से लाई थी। ठीक है आरा, आप अपने अल्लाह बिछो। इसको बोलते हैं अल्लाह नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जान नमाज। हाँ मुझे भी पता है। अच्छा लिबो जान नमाज, ठीक है। ये नहीं अच्छी, पढ़ो पढ़ो, चलो दोनों पढ़ो, नौटंकी नहीं, लिबो पढ़ लो, लिबो देखो गाइस अल्लाह कैसे पढ़ती है। लिबो पढ़ो, अल्लाह पढ़। हाँ पढ़ तो पत्ता पढ़ा दो। अच्छा रुको, लिबो पढ़ लो अल्लाह। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उठ खोलो नहीं, ऐसी पढ़ो ऐसी पढ़ो। हाँ ऐसी पढ़ लो, हाँ इसे परेशानी हो रही है। हाँ सजदा करो, जैसे अप्पी कर रही है ऐसे करो, जैसे अप्पी कर रही है ऐसी करो। लिबू ये दुपट्टा उड़ के पहनती नहीं, इसे उलझन होती है। चलो आप गंदी अल्लाह कर रही हो, आप अच्छे अल्लाह नहीं कर रही, जाओ मैं तो जा रही। ये छोनू बीच में आके हमें परेशान कर रही है छोनू। अब मुँह क्यों छुपा रहे हो, क्यों मुँह छुपा रहे हो, बोला इधर दिखाओ ना, आपने क्या कर रखा है। जुम्मे का दिन है, हमें काम नहीं करने दे रही हैं, हमें कुछ नहीं करने दे रही हैं, और पता नहीं हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ मुझे कर लिया, कैसे कैसे करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना काम मेरा फैला हुआ है, और मतलब मैं कितनी बुरी तरह फंसी हुई हूँ। ये तो मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं सुबह से, वैसे अल्लाह ने बहुत साथ दिया है, सुबह से मैंने सारी सफाइयाँ, घर धुलाई, झाड़ू पोछा सब कर लिए हैं, और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। खाना मैं बना रही थी, अभी आधा बन गया है, चावल चुक गए हैं, राजमा मैं बना रही हूँ तो मसाला भी भुन रहा है, उबल चुके हैं राजमा। बर्तन धोने जा रही थी तो ये उड़ गए, बर्तन धो के मुझे डायरेक्ट नहा के नमाज़ पढ़नी थी। बच्चे नमाज़ पढ़ चुके हैं, बच्चे अब क्या करें वो भी आपको दिखा दी। मम्मी पता है मैं किस पे हूँ? किस पे? गाइस मैं ये दोनों पढ़ रही हूँ। पढ़ लो पढ़ लो। गाइस देखो मैं हाँ इनको गाइस, हाँ हाँ करी। चलो आप लोग अल्लाह अल्लाह कर लो, फिर मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यहाँ पर मेरा अभी मसाला भुन रहा है, और यहाँ पर मेरे राजमा उबल चुके हैं, बस थोड़ी सी देर में मेरे राजमा। इसमें बर्तन धोने के लिए पानी गर्म करा था, जो कि गर्म का ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं धो नहीं पाऊँगी। और मैं अभी आपको बर्तन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि सोना मुझे धोने नहीं दे रही हैं, गोद में चढ़ के बैठी हुई हैं हमारे। अब पता नहीं ये काम कैसे होगा, अल्लाह जाने। अरे अल्लाह, ड्रामेबाज बच्चा, ये ड्रामेबाज बच्चा है पूरा का पूरा। थोड़ा सी महक रही है, चलो देखना आएगा इसका कह रहे हैं आपसे। आएगा इसका कह रहे क्या कह रहे हैं, कह रहे आएगा इस क्या कह रहे हैं। न बालों का पता, न किसी चीज का पता। बढ़िया चीज चीज है, मतलब आपके दो हाथ नहीं, आपके कम से कम 10 हाथ हो जाते हैं। आपको ये भी करना है, और आपके टाइम की रियायत भी है नहीं है ना, अगर आप ज़रा भी टाइम इधर उधर करोगे तो आप ही का नुकसान है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड भूखे रह जाएंगे। तो आप चाहते हुए भी वेट नहीं कर सकते हैं। चलो छोड़ू, जैसे बच्चे मम्मा को परेशान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मैं इसे भुनने पे डाला है, जैसे कि मैं हमेशा ही छोलों को राजमा को भूनती हूँ। कैसे भून रही हूँ आप लोग देख लो। एक यहाँ पर हमने राजमा डाल दिया, मसाले में क्या मैं मैगी मसाला डालती हूँ, आपको पता ही है, थोड़ा सा बस, थोड़ा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती, वरना शार्प स्मेल आएगी। हाँ भाई मारो पीटो मत एक दूसरे को। चावल मैंने पहले बना लिए हैं, कभी दादू आई नहीं है, बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो रहा है, पापा भी नमाज पढ़ने गए हैं। यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा पहले पानी डालूंगी, वैसे मैंने नमक सही डाला था, अगर मुझे तेज लगेगा ना तो मैं ऊपर का पानी डालूंगी। कभी ऐसा हो जाए ना कि पानी में आपका, जैसे आप रात में उबाल दो नमक तेज हो जाए, तो आप ऊपर का पानी भी डाल सकते हैं। मैं यहीं पे चेक करूंगी नमक।
सही है नमक टेस्टी है और पाई डाल दिया है। छोनू बड़े गौर से देख रहा है, छोनू मुझे बड़े गौर से देख रहा है। बस इतना पानी बहुत है, आपको दिखाती हूँ कितना पानी डाल इसमें। देखिए इतना मैंने डाल दिया है, अब ये गाढ़े भी होंगे ना, बस इतना बहुत है। चलो डन। नहीं बना दूं सरप्राइज। वेलकम बैक। मैंने ना नमाज पढ़नी शुरू की थी तो मैं बस चार सुन्नत पढ़ पाई थी और सोनू ने रो रो के हंगामा कर दिया था। तो फिर और जबकि नमाज में आपको पता है मैं लेट हो गई थी, तो टाइम भी मतलब नमाज का ओवर होने वाला था, तो मैं पूरी नमाज पढ़ ही नहीं पाई थी। मैंने बस चार सुन्नत पढ़े हुए हैं, टाइम निकल गया है नमाज का, लेकिन मैं फिर भी बाकी की नमाज़ पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही है थोड़ी सी नमाज पढ़ के, मतलब आधी भी नहीं हुई, फर्ज हो जाते पूरे तो बात अलग थी, लेकिन सिर्फ चार सुन्नत पढ़े हुए हैं तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं, बेटाइम ही सही नमाज़ पढ़ लेते हैं, अब कबूल करना ना करना अल्लाह के हाथ में, वही अपनी कोशिश कर लेते हैं। आधा घंटा इस लड़की ने मेरा और ख़राब कर दिया, अभी मैंने खाना तक भी नहीं खाया, पहले मैं अपनी नमाज़ कम्प्लीट कर दूँ उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। अब बस ऐसे ही माओं के साथ तो ऐसे ही है कि इबादत भी नहीं कर सकते। और सही बात बताऊँ जो मतलब लास्ट जुमा था उसकी नमाज उसकी आधी ही पढ़ी हुई थी, उसकी पूरी मैं पढ़ ही नहीं पाई। अब मैं सोचा चलो इस जुम्मे की पूरी कर लेती हूँ, तो मतलब बस तू ही रहम करियो मेरे ऊपर, तो क्या करूँ बहुत बच्चों में गिरी रहती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ शोना सो रही है, फाइनली अब ये सो गई है और अब मैं ज़्यादा शोर ना करते हुए अपना काम करूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और अभी मेरा सारा किचन का काम पड़ा है क्योंकि सिर्फ खाना बना था, वो जो बर्तन आप लोगों को दिखाए थे वो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं तो वो सब धोने हैं। ये सब करते करते मुझे हो जाएगी शाम, मतलब शाम हो ही गई है, रात हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ये भी ज़िंदगी का एक दौर है, निकल जाएगा। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और ये लड़की उठ चुकी है, ये उठ चुकी है। अच्छा अच्छा, पहले आप अपना मुंह दिखाइए, मुंह दिखाइए पहले। ये देखिए गाइस, इसने अपना मुंह कैसे काला किया, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, ये हाथ देखिए आप, इसके पूरा खोल के दिखाओ ना हाथ, ये पीछे करो, ये देखिए इसके हाथों को, ये देखिए वो वाला हाथ भी दिखाइए। हाँ ये तो मैंने बहुत छुटवा दिया है, मुंह धुलवा दिया है, वरना पूरा मुंह काला, पूरे हाथ काले क्यों किया देखो। अब मुंह छुपाने से क्या होता है, ये इतनी शैतान लड़की है, इसने पूरे घर का हमारा मतलब बिल्कुल बर्बाद कर रखा है, इसने हमारे घर की सारी दीवारें खराब कर दी। उस दिन इसने पाउडर बर्बाद कर दिया, आज इसने काजल बर्बाद कर दिया, जिस दिन से आई उस दिन से हमारी बर्बादी पे तुली हुई है। क्या हो जाएगा, ओ मुझे ऐसे क्यों भगाया, अच्छा अच्छा जी। तो कहानी कुछ ऐसी है आज की, तो ये है राजमा, आज के राजमा इतने यम बने थे, ओ बाबा रे बाबा, पता है मैंने तो ठंडे खाए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोनू ने मुझे परेशान कर रखा था, मुझे तो मैं ट्राई करूं। हाँ तो मैं नमाज भी मैंने मतलब ऐसी आधी आधी पढ़ी है, तो फिर जब मैं नमाज पढ़ी थी उसके बाद मैंने खाना खाया था, वो ठंडा ही हो गया था, बट ये इतने यम लग रहे थे। आयरा पता है ट्यूशन से आई थी ना, तो आयरा सोने से पहले कह रही मम्मा आज आपने कितनी टेस्टी राजमा बनाए, छोड़ो बस इसे,
तो लेकिन गलती ये हो गई कि राजमा के साथ ना चावल थोड़े कम बन गए। बदतमीजी करवाऊँ तो चावल थोड़े कम बन गए थे। चावल का क्या था, बाबूजी का मुझे पता नहीं था आ रहे नहीं आ रहे, तो मैंने डेढ़ कटोरी चावल बना लिए थे। फिर बाबूजी आ गए तो फिर हम सब ने खा लिए, तो क्या हुआ कि अब ये चावल बचे हैं इतने। और आज हमारे घर में ख़त्म हो गया आटा, मतलब एक चुटकी आटा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक चुटकी तो खैर निकल आएगा लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा आटे का ड्रम, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बस खुश्की खुश्की पड़ी है। तो आटा है नहीं, तो आज हम इसके उसमें हम क्या खाएंगे, तो हम खाएंगे चावल। तो मैंने इन्हें फ़ोन करके पूछा था, तो ये बाहर हैं लेकिन आ जाएंगे डिनर के टाइम तक। तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़े से चावल और बना लेती हूँ। लेकिन आज के चावल में किस तरह से बना रही हूँ, एक अलग रिव्यू नहीं करूँ, एक अलग डिज़ाइन से बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे बनाती हूँ, आपको सब दिखाऊँगी। ठीक है, चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि इंस्टेंट चावल कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग आते होंगे, तो ये मैंने दिन में भी इसे बनाया। हाँ, मैंने इसे धो के रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये चावल धो लिए हैं, ये भी डेढ़ कटोरी है। बहुत ज़्यादा फिर इसलिए नहीं बना रही क्योंकि इस चावल जैसी चीज फिर क्यों ज़्यादा बना के फिर वेस्ट करो। कल मुझे कुछ और बनाना है, क्या बनाना है कल भी कल दिखाऊंगी आपको। सारे चावल मतलब आप सोचेंगे कि छौंक के नहीं बना रही, उबाल के बना रही है हमें पता है, लेकिन नहीं, ये छुके हुए चावल ही बनाऊंगी मैं। आप कैसे ये आप देखते जाओ, वो भी बची हुई चीज़ों से जो मेरे पास बची हुई है। अब इन चावलों के अंदर मैं पानी डालूंगी। चावल डाल दिए, ओ पानी डाल दिया, अब भी रुको। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल दूंगी। ठीक है, चम्मच मेरा बड़ा है इसलिए एक चम्मच ही डाला है। इसके बाद मैं इसके अंदर पका हुआ तेल डाल दूंगी। तो आप लोग सोचेंगे ये हमें भी पता है, लेकिन आपने छौके कहाँ हैं। एक चम्मच डाल दी, थोड़े से चिकने करने के लिए मैंने ये तीन चम्मच डाले। तो आप सोचेंगे छुके कहाँ हैं, अभी छौकती हूँ, रुको। मैंने बनाया था कोरमा अभी दो तीन दिन पहले, तो उसकी ना ये प्याज बच गई थी, नहीं बिरयानी बनाई थी, कोरमा नहीं बनाया था, हाँ बिरयानी बनाई थी। तो बिरयानी में ये जो होता है ये प्याज बच गई थी, तो ये रखी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं इसे ऐसे काम में ले लूँ, है ना भैया। तो ये छुक गए चावल, हाँ 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 हाँ, कितना मज़ा आया। सारे ने डाल दिया वरना थोड़ा मीठापन सा आ जाएगा। इतने चावल बहुत है, ओ इतनी बरिश्ता बोलते हैं इसे, बहुत है। अब इसे चला लेते हैं बिना गैस चलाए। हमारे चावल छुक के हुए हैं रेडी। अगर आपको छुके हुए चावल खाने का शौक है और बार बार आपको छौंकने का मन नहीं है, तो आप ये बरिश्ता बना के भी रख सकते हैं। मेरा तो बचा हुआ था, तो मैंने कहा फेंकने की बजाय मैं काम में ले लूँ। आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं चीज़ों को फेंकूँ नहीं, उनका रीयूज़ करूँ, और जितना हो सके खाना बचे कम, वेस्टेज कम हो। देखो धीरे धीरे करके सुधरेंगे, बहुत मतलब गलत आदतें थी पहले हमारे अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। सुधरते सुधरते ही सुधर पाएंगे, इंसान का काम है सुधर जाए। तो जी यहाँ पर मैं एक और काम ले आई हूँ अपनी जान के लिए, मेरी जान को काम ही रहते हैं हमेशा। तो ये मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी फ्रिज में से, तो अब मैं इसका वो बना लेती हूँ, मक्खन मतलब निकालूंगी, और घी बनाना है मुझे, उसका प्रोसीजर में लगना है। तो बस ये मैं रूम हीटर के सामने ये काम कर रही हूँ, मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ।